ओम आग्रेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच अस्तोदरी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ विशेष चर्चा करने के लिए। मैं चर्चा कर रहा था कि फरवरी 2023 मास में विभिन्न राशियों का यानी मेष से लेकर मीन तक कैसा राशि फल रहेगा। वही चर्चा करते करते मैं अब कुंभ राशि पर आ गया हूँ। तो कुंभ राशि की चर्चा करूं इससे पहले मैं ग्रह गोचर बताऊं ग्रह कौन कौन ग्रह कहाँ बैठा है कुंभ राशि के लिए। तो लग्न में देखिए कुंभ राशि है। कुंभ राशि में 17 जनवरी को शनि आ चुके हैं, यहीं रहेंगे 2.5 साल तक। तो कुंभ राशि वालों को तो अगले 2.5 साल तक शनि का विशेष लाभ मिलेगा। और देखिए शनि यहाँ आ गए और शुक्र भी यहीं पर है, शुक्र और शनि दोनों ही हैं, लेकिन शुक्र यहाँ से 15 फरवरी को निकल करके धन भाव में चले जाएंगे बृहस्पति के पास। 15 फरवरी को बृहस्पति के पास शुक्र चले गए तो शुक्र और बृहस्पति धन भाव में मिलकर साथ साथ बैठेंगे। और 13 फरवरी को यहाँ सूर्य आ जाएंगे कुंभ राशि में। अभी तो मकर राशि में है लेकिन 13 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे। तो शुरू में सूर्य का शुक्र का शनि का तीनों ग्रहों का योग यहाँ रहेगा, लेकिन उसके बाद तीन दिन बाद ही शुक्र यहाँ से निकल करके मीन राशि में बृहस्पति के पास चले जाएंगे 15 फरवरी को। तो फिर सूर्य और शनि रह जाएंगे यहाँ, लेकिन 27 फरवरी को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। तो बुध जब आ जाएंगे तो फिर 3 ग्रह हो जाएंगे, सूर्य का और बुध का साथ रहेगा और शनि तो यहाँ रहेंगे। शनि का अपना घर है और शनि सूर्य के पुत्र हैं, तो पुत्र के घर में पिता आ रहे हैं। हालांकि पिता के लिए तो कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन शनि तो शत्रुता मानता है, पर पुत्र के घर में जब पिता आ रहे हैं तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा, तो लाभ तो मिलेगा। यानी लग्न में बैठ करके सूर्य शनि शुक्र सभी कुछ, और सूर्य की अपनी राशि पंचम राशि कहाँ है, सप्तम भाव में है, तो सूर्य अपनी राशि को तो लाभ देंगे देंगे। तो सप्तम भाव के भी पति पत्नी के वैवाहिक जीवन भी अच्छा बनेगा, परिवार में जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनका अच्छा सहयोग मिलेगा, बहुत बढ़िया है। तो 7 फरवरी तक बुध भी जो है, देखिए 11th में बुध जो है अभी 12वें भाव में है। बुद्ध अभी 11वें भाव में, सॉरी बुद्ध 11वें भाव में है धनु राशि में। तो बुद्ध 7 फरवरी को बुद्ध आ जाएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में बुद्ध आ जाएंगे कहाँ, मकर राशि में। मकर राशि के सूर्य और मकर राशि के सूर्य है, लेकिन मकर राशि से सूर्य निकल करके 13 फरवरी को भाग जाएंगे कहाँ, लग्न में 11वें राशि में। वहाँ फिर बुद्ध रह जाएंगे। मकर राशि में बुध है और शनि भी है। मकर राशि में तो शनि आए थे जनवरी में, 15 जनवरी को, तो 13 फरवरी तक यहीं रहेंगे। 13 फरवरी को फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे शनि। 15 फरवरी से बृहस्पति और शुक्र धन भाव में दोनों बैठेंगे, तो कुंभ राशि के लिए धन भाव में दो दो गुरु, दैत्य गुरु देव गुरु। द्वितीय भाव वैसे शुक्र का अपना भाव होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो द्वितीय भाव के स्वामी धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र धन भाव में आ रहे हैं बृहस्पति के साथ। तो भाई अपार धन संपदा मिलेगी कुंभ राशि वालों को, बहुत जबरदस्त धन लाभ मिल रहा है शुक्र से और बृहस्पति से। और देखिए शुक्र की दूसरी राशि जो है भाग्य भाव में है, सप्तम राशि, और शुक्र धन भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्य के द्वारा शुक्र धन देंगे, भाग्य बढ़ेगा तो धन आएगा, जबरदस्त लाभ मिल रहा है। और 14 भाव में मंगल बैठे हुए, भूमि पुत्र मंगल, भूमि भवन भवन बाहर सब कुछ देंगे मंगल, और मंगल की दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि पर कर्म क्षेत्र में। 10वें भाव में तो यहाँ व्यापार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, सब कुछ वृद्धि वृद्धि है भाई, बहुत गजब का। और विदेश भाव में 12वें भाव में सूर्य थे वहां पर 10वें राशि में,
मकर राशि में सूर्य थे वहां पर और बुध भी आ गए वहां पर 7 फरवरी को, तो विदेश से लाभ, विदेश व्यापार से लाभ, विदेश की नौकरी से लाभ, तरक्की मिलेगी। तो 12वें में सूर्य बुध विदेश से विशेष लाभ देंगे, विदेश यात्रा है, विदेश व्यापार से लाभ, और मंगल 4थे में बैठ करके 10वें पदस्य डालना है और 11वें पदस्य डालना है, 7वें पदस्य डालना है। तो मंगल जो है 10th में मंगल की अपनी राशि है स्कॉर्पियो, तो फिर धनी धन मिल रहा है, लाभ ही लाभ मिल रहा है। गुरु जो है धन भाव में जब बैठे हैं और यहीं रहेंगे 22 अप्रैल तक, तो गुरु धन भाव में बैठ करके और शुक्र भी जब आ जाएंगे 15 फरवरी को, तो फिर तो अपार धन संपदा देंगे। तो गुरु धन भाव में और 11th लॉर्ड गुरु जो है 11th में क्या है, धनु राशि है, तो लाभ भाव के स्वामी भी हैं गुरु और धन भाव में बैठे हुए हैं। तो लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ गया तो धनी धन आ रहा है भाई, बहुत जबरदस्त कुंभ राशि वालों को। तो माह के पूर्वार्ध में तो शनि और शुक्र लग्न में और शनि की 10th पर दृष्टि, सरकारी काम से लाभ, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा 3रे भाव से, परिश्रम तो करिए, परिश्रम जितना करोगे उतना लाभ मिलेगा। राहु बैठे हुए हैं 3रे भाव में, तो राहु भी परिश्रम कराएंगे। मंगल की देखिए दृष्टि पड़ रही है 10th भाव पर, तो बहुत लाभ मिल रहा है, लेकिन थोड़ा कुछ थोड़ी बहुत बीमारियां हो सकती हैं, नसों की बीमारियां, सिर दर्द, कफ वगैरह, कोल्ड वगैरह हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि 6रे भाव पर है, कर्क राशि है, तो थोड़ा सा कुछ कफ कोल्ड हो सकता है। पूर्वार्ध में जब 12वें भाव में देखिए सूर्य भी हैं और बुध भी हैं, तो थोड़ा धन का खर्चा हो सकता है, धन का खर्चा तो हो सकता है। बुध जो है 7th के बाद जब 12th में आ गए, उससे पहले 7 फरवरी से पहले बुध की दृष्टि पड़ रही थी 11वें भाव से 5वें भाव पर, जहाँ उनकी अपनी मिथुन राशि थी, तो एजुकेशन क्षेत्र में 7 फरवरी तक विशेष लाभ मिलेगा, संतान को विशेष लाभ मिलेगा, संतान तरक्की करेगी 7 फरवरी तक, जब तक बुध वहाँ बैठे हुए हैं, कि बुध अपनी राशि में सुन राशि को देख रहे हैं भाई कुंभ राशि वालों। 15 फरवरी से शुक्र जब 2nd में आ गए, तो थोड़ा देखिए वाणी को प्रभावित कर सकते हैं, वाणी पर कंट्रोल रखिए। और 7th के लॉर्ड जो है 7th में 5वीं राशि है सिंह, तो सिंह के सूर्य की स्थिति बड़ी अच्छी है, सूर्य देखिए मकर में है और फिर कुंभ में आ जाएंगे 13 फरवरी को लग्न में, अपनी राशि को देखेंगे तो 7th भाव में बड़ा लाभ मिलेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा, कैरियर का अच्छा मिल रहा है, क्यों मंगल की राशि है, मंगल देख रहे हैं, व्यापार में अच्छा लाभ मिल रहा है, सीनियर से अच्छे संबंध रहेंगे। शनि की राशि है कहाँ पर, 12वें में भी और लग्न पर भी, तो दोनों जगह शनि की राशि होने से बड़ा लाभ मिलेगा, विदेश से भी लाभ मिलेगा और लग्न बलवान होगी तो जातक को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, सफलता ही सफलता मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, तो मंगल की राशि है, मेहनत करें सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। देखिए क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए सारे ग्रह बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा फल मिल रहा है, यानी बुध का शुरू में, बृहस्पति का भी, शुक्र का भी, शनि का भी, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो अच्छा फल नहीं दे रहा हो। देख कुंभ राशि वालों को लिखिए व्यवसाय में धन का लाभ बहुत तगड़ा हो रहा है, पर खर्च भी होगा क्योंकि 12वें भाव में खर्च के लक्षण हैं, खर्च भी अधिक रहेगा। देखिए 12वें भाव में और कुंभ राशि वालों के लिए केतु बैठे हैं भाग्य भाव में, तो भाग्य भाव में केतु 7th राशि है और राहु की दृष्टि पड़ रही है 3रे भाव से, भाग्य राहु की दृष्टि है, थोड़ा सा राहु आपके माइंड को गड़बड़ कर देता है,
तो माइंड में थोड़ा सा अपने विचारों में कंट्रोल रखिएगा, तो किसी से अनबन ना होने पाए, मतलब उन विचारों की वजह से। शत्रुओं का भय सताता रहेगा, भाग्य मतलब डर लगा रहेगा माइंड में हमेशा कुंभ राशि वालों को। संतान का सफलता मिलेगी, संतान का सुख मिल रहा है, संतान का सुख मिल रहा है क्योंकि मैंने बताया कि बुद्ध की दृष्टि पड़ रही संतान भाव पे, तो संतान को सुख मिल रहा है। अच्छा ही अच्छा है, बढ़िया है, मतलब कोई खराबी नहीं है। कुंभ राशि वालों का तो और बढ़िया करना है आपको। अगर तो देखिए, शनि देव का बीज मंत्र का जाप करिए, ओम सम सहस्राय नमः का जाप करिए। शनि को कुंभ राशि है और शनि को खुश करने के लिए आप हनुमान जी का करेंगे ना, हनुमान जी की तो शनि खुद पूजा करते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। एक बार में नहीं कर सकते हैं, दो बार में तीन बार में करिए तो लाभ मिलेगा। मित्रों अभी मैं विराम लूँगा, नमस्कार।